नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी ने की तेज गति इंटरनेट के नए युग की शुरुआत। 2023 तक देश की हर तहसील तक पहुंचेगी 5G सेवा। केंद्र सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में की भारी कटौती। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर 25.50 रुपए हुआ सस्ता। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय। गांधी परिवार और G23 का मिला साथ, थरूर से होगा मुकाबला। प्रयागराज के संगम से स्वच्छता अभियान का आज से आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे कार्यक्रम की अगुवाई। औद्योगिक नगरी पानीपत के 7 लाख लोगों के रोजगार पर संकट। कोयला संचालित सभी उद्योग होंगे ठप। समय सीमा खत्म। अरुणाचल और नागालैंड में 6 माह बढ़ाई गई अफस्पा की मियाद। देश में अशांत क्षेत्रों में लागू है विशेष सशस्त्र बल कानून। अब एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को भेजी गाइडलाइन। UNSC में निंदा प्रस्ताव पर वीटो से रूस ने फिर दिखाए तेवर। चीन, भारत, ब्राजील और गैवान ने वोटिंग से बनाई दूरी। 4 यूक्रेनी क्षेत्रों से रूस में विलय की गई, देशों ने की थी कड़ी निंदा। भारत बोला बैठकर बातचीत के जरिए निकलना चाहिए हल। विरोध के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा उत्तर कोरिया। फिर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, इस सप्ताह किया 4था परीक्षण। वैज्ञानिकों ने खोजी कोरोना संक्रमण की दवा NMT5। संक्रमित करने की बजाय खुद अपना खात्मा कर लेगा वायरस। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवीन पटनायक पर साधा निशाना। कहा योजनाओं में धन का दुरुपयोग करने के लिए लगाए फर्जी बिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उद्योगों में निवेश का किया आह्वान। बोले आधुनिक समय में उन्नत हथियार के लिए अनुसंधान सबसे जरूरी। केरल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आरोपी को दी 142 साल की सजा, 5 लाख लगाया जुर्माना। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारी अपील। का एहतियाती हिरासत निजी स्वतंत्रता पर गंभीर आक्रमण। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 400 चौकियां स्थगित, 17,000 जवान करेंगे निगरानी। मुश्किल में फंसे महाराष्ट्र के NCP नेता छगन भुजबल। जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज। पंजाब के पठानकोट में पिटबुल ने 5 गांव में मचाया कहर। 6 घंटे में 12 लोगों को काटा, कई मवेशियों पर हमला। केबिन क्रू के लिए अंडर बियर अनिवार्य करने पर मचा बवाल। विरोध के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने दी सफाई। पश्चिमी यूरोपीय देश बुर्किना फासो में एक बार फिर तख्ता पलट। सेना ने देर रात सरकारी टेलीविजन पर किया कब्जा। चक्रवाती तूफान इयान से फ्लोरिडा में 21 लोगों की गई जान। $4,700 करोड़ का नुकसान, हजारों लोग घरों में कैद। आयोग ने H-1B वीजा पर मुहर लगाने की सिफारिश की मंजूर। राष्ट्रपति बाइडेन की मंजूरी मिलते ही हजारों पेशेवरों को मिलेगी राहत। सभी बीमा पॉलिसियों को डिजिटल फॉर्म में रखना होगा अनिवार्य। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने जारी किया निर्देश। मुंबई के कांदिवली में बाइक सवार बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में 1 की मौत और 3 अन्य घायल। जांच में जुटी पुलिस। ईरान में दिनों दिन उग्र और हिंसक हो रहा है हिजाबी विरोधी आंदोलन। धार्मिक पुलिस के प्रमुख की गोली मारकर ली गई जान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 24वें दिन बारिश ने डाला खलल। कर्नाटक में 21 दिन में 511 किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। अकेले रहने वाले वृद्ध जन को आपात स्थितियों में मिलेगी सहायता। जौहर विश्वविद्यालय के एक मामले में आजम खान को हाईकोर्ट से राहत। गायब हुई मशीनों के मामले में अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने सपा सांसद को दूसरे मामले में दिया झटका। जमीन हड़पने के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने से किया इनकार। उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान योजना के भुगतान में किया बदलाव। अस्पताल को मरीज से निःशुल्क उपचार का करना होगा सत्यापन। RJD प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद की टिप्पणी पर बोले तेजस्वी यादव का नीतीश की जगह मुख्यमंत्री बनने की नहीं है कोई गड़बड़ी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया दंगाइयों का सरगना। बोले योगी सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार पर खाद्य मंत्रालय का बयान। का राशन योजना की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज भंडार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बोली केवल बाल पोषण नहीं मात्र पोषण पर भी देना होगा पर्याप्त ध्यान। पंजाब विधानसभा में सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित। भगवंत मान बोले खजाने पर केवल बोझ डाल रहा था ये निकाय। हरियाणा में लोगों को मोबाइल पर मिलेगी FIR की जानकारी। SMS के जरिए मिलेगी जांच अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर। जयपुर में 7 अक्टूबर से शुरू होगा राजस्थान निवेश सम्मेलन। निवेशकों से 11 लाख करोड़ रुपए के 4,192 समझौतों पर किया हस्ताक्षर। आपदा समन के लिए UP, पंजाब और गोवा को मिलेंगे 488 करोड़ रुपए। पत्र में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृहमंत्री शाह ने दी मंजूरी। 7 नवंबर से शुरू होगा JNU में स्नातक कक्षाओं का पहला सेमेस्टर। विश्वविद्यालय प्रशासन ने CUET के जरिए शुरू की दाखिले की प्रक्रिया। 75 मामलों की सुनवाई के लिए 9:15 बजे रात तक खुला सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत में 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक होगी दशहरा की छुट्टी।
आरबीआई ने वैश्विक चुनौतियों के कारण कम किया वृद्धि दर का अनुमान, 7.2% के बजाय 7% की वृद्धि दर की जताई संभावना। केजरीवाल के राघव चड्ढा के जेल भेजने की आशंका पर लोगों ने कसा तंज का, अब ये भी बता दो कि आखिर कब आएगा इसका सुमुहूर्त। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी में फिर गर्जा बुलडोजर, नोएडा प्राधिकरण की टीम ने ढाए 16 से ज्यादा अवैध निर्माण। अंकिता कांड में पुलिस रिक्रिएट कराएगी पूरा क्राइम सीन, क्या हुआ था वारदात की रात, पुलिस उगलवाएगी सारे राज। ओबीसी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस, हापुड़ मामले में आरोपियों की जमानत को चुनौती। रिजर्व बैंक ने फिर ब्याज दरों में की 0.50% की बढ़ोतरी, दीपावली से आम आदमी को लगा बड़ा झटका, लोन दरें बढ़ी। अनूप शहर में क्षेत्रीय माध्यमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, उप जिला अधिकारी ने 800 मीटर दौड़ को दिखाई हरी झंडी। सब जूनियर बालक वर्ग की 600 मीटर दौड़ में रिंकू रहे अब्बल, जूनियर बालक वर्ग 100 मीटर दौड़ में सागर ने पाया पहला स्थान। एशिया कप में जीत के साथ आगाज करना चाहिए टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत की अगुवाई में श्रीलंका से पहला मैच आज। T20 विश्व कप के लिए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे बुमराह, BCCI ने फिटनेस का आकलन करने का दिया निर्देश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।